बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर एग्जाम जो सेंटअप एग्जाम आप लोगों का पढ़ने वाला है उसका डेट यानी कब से चालू होगा उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ और साथ में हम लोग समझेंगे कि जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के हैं अगर उनको फ्री में नोट्स चाहिए, ऐसा नोट्स जिसमें से 90% से ज़्यादा एग्जाम में आप लोग ला सकते हैं मेरे नोट्स को पढ़ के, वो भी फ्री में मैं आप लोगों को नोट्स दे रहा हूं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा बने रहे और वीडियो को पूरा देखिए। नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखते हैं ये आज का पेपर निकाला गया है। इस पेपर में निकला है इंटर की 11 अक्टूबर से, इंटर का एग्जाम सेंटअप 11 अक्टूबर से होगा, वही मैट्रिक की सेंटअप परीक्षा 15 नवंबर से होगी। हाँ बच्चों, मैट्रिक की परीक्षा 15 नवंबर से सेंटअप होगी। सेंटअप के ही आधार पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें कि रजिस्ट्रेशन कब आप लोगों का जारी होगा तो वीडियो में पूरा मैं बताने वाला हूं, आप लोग गौर से बढ़िया से समझिएगा। देखिए, बिहार बोर्ड द्वारा इसकी जानकारी राज्य भर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया गया है। बोर्ड की माने तो सेंटअप परीक्षा के लिए इस बार प्रश्न पत्र भी बोर्ड की ओर से तैयार किया है। तो बोर्ड की ओर से जब क्वेश्चन तैयार किया गया है तो जाहिर सी बात है कि 30% से ज़्यादा क्वेश्चन जो सेंटअप एग्जाम में आएगा वही आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में भी उसी तरह का क्वेश्चन हो सकता है, लगभग लगभग बहुत ज्यादा। इसलिए सेंटअप एग्जाम में जो भी क्वेश्चन है वो बढ़िया से आप लोग पढ़ के तब जाके आंसर दीजिएगा। बोर्ड द्वारा सितंबर के अंतिम सप्ताह के सभी DOO कार्यालय को प्रश्न पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो छात्र सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उन्हें ही वार्षिक परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। यानी कि आप लोग जब तक सेंटअप एग्जाम में नहीं पास करेंगे आप लोग मैट्रिक एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं, आप लोगों का एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा। आगे हम लोग समझते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन कितने देर पहले मिलेगा। तो 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र दे दिया जाएगा। बोर्ड की माने तो परीक्षा में 30 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। इस बार देखिए 30 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हो रहा है, इंटर और मैट्रिक दोनों मिला के 17 लाख लगभग मैट्रिक में और 13 लाख लगभग इंटर में शामिल होने वाले हैं। तो अब ये सब बात तो हम समझ गए, पिछले बार भी 17 लाख बच्चे मैट्रिक में शामिल हुए थे, 13 लाख के आसपास इंटर में शामिल हुए थे, ये तो हर साल होता है। अब हम लोग समझते हैं कि आप लोगों को नोट्स कैसे मिलेगा जो VVI नोट्स है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग चेक करिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डाल दिया हूँ, वो ग्रुप लिंक से ज्वाइन होकर आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोगों को धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट एक एक चैप्टर करके धीरे धीरे आप लोगों को पूरा नोट्स कंप्लीट कर दिया जाएगा दिसंबर तक। इसलिए आप लोग ज्वाइन होकर मैसेज नहीं करना चालू करिएगा, क्योंकि आप लोगों को नोट्स दिया जाएगा एक बार में पूरा नहीं, धीरे धीरे करके जैसे जैसे तैयार हो रहा है वैसे वैसे भेजा जाएगा, क्योंकि मैं अपने हाथों से लिखकर तैयार करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप पे, धीरे धीरे करके आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा। अब देखिए, इंटर वाले बच्चे में अगर बात किया जाए, इंटर की दूसरी सूची से अब 10 तक होगा नामांकन, जो सेकेंड कट ऑफ निकला है उसे 10 तक नामांकन होगा। इसके बारे में मैं दूसरी वीडियो बना देता हूँ अच्छा डिटेल से। तो आप लोगों को अगर वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, नहीं समझ आया हो तो आप लोग कमेंट करिए आप लोगों को क्या समझ नहीं आया है। मैं आप लोगों के हर कमेंट का जवाब देता हूं, इसलिए आप लोग कमेंट में जरूर पूछिए। आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या आ जा रहा है तो आपको लोग कमेंट करके जरूर पूछिए कि ये प्रॉब्लम है सर, ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट का तो जवाब देता ही हूँ। साथ में आप लोग जल्दी से जाके व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी मैं करा सकूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही था दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।